हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ की हमारे पास एक्सरसाइज है 7.4। 7.4 हमारे पास इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्या दे रखी है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मीन्स पीसीटी थ्योरम अप्लीकेबल है। द हाइपरटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके जो हाइपरटेन्यूज है वो क्या है? कि लॉन्गेस्ट साइड है, एक बड़ी साइड है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए बी और बी सी है, इन दोनों से बड़ा कौन है? ए सी। ये हमें प्रूव करना है। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ए बी सी हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल कहाँ? एंगल बी के ऊपर। नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी। अब ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या आएगा? 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए एंड सी आर ईच लेस देन 90। ये जो दोनों एंगल आएंगे, ये हमारे पास 90 से कम आएंगे, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि ये भी 90 हो जाए। 90, 91, 80, तो ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ जीरो का एंगल बनेगा, क्योंकि जीरो का कोई एंगल ही नहीं होता। तो इसलिए इन दो, ये जो दो एंगल हैं, ये 90 से कम आएंगे तो एंगल बी से छोटे हैं दोनों। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए। जो एंगल बी है वो एंगल ए से बड़ा है। इसको हम क्या बोल देंगे? एंगल बी के सामने साइड कौन है? ए सी। और एंगल ए के सामने साइड कौन है? बी सी। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया? ए सी है वो ग्रेटर है किससे? बी सी से। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। जो हमारे पास अपोजिट साइड है, अगर हमारे पास साइड बड़ी है तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा होता है। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन क्या है? अब इसी तरह से, अब तो हमने क्या प्रूव किया कि एंगल ए छोटा है, अब उसके बाद एंगल सी। अब एंगल सी है वो भी 90 से कम है, तो यहाँ क्या बोल देंगे? एंगल बी है वो ग्रेटर देन है किससे? एंगल सी से। एंगल बी बड़ा है एंगल सी से। एंगल बी के सामने साइड कौन है? ए सी। और एंगल सी है उसके सामने साइड कौन है? ए बी। तो क्या बोल देंगे? ए सी है वो ग्रेटर देन ए बी है। इसको हम इक्वेशन नंबर टू मान लेंगे। हेंस बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस में क्या है? यहाँ भी एंगल जो ए सी है वो बड़ी दे रखी है किससे? बी सी से। बी सी से बड़ी आ गई ए सी। दूसरी कंडीशन में क्या दे दिया? ए बी से भी बड़ी कौन है? ए सी। तो इट मीन्स ए सी हमारे पास क्या आ जाएगी? बड़ी साइड आ जाएगी। वी कैन से दैट ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए सी है वो क्या है? एक लॉन्गेस्ट साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। इन द फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी, और ए बी को प्रोड्यूस कर दिया गया, एक्सटेंड बोले या प्रोड्यूस कहाँ? पी पॉइंट तक। और ए सी को प्रोड्यूस कर दिया गया क्यू पॉइंट तक है। आल्सो एंगल पी बी सी। एंगल हमारे पास क्या है? पी बी सी। यहाँ जो एंगल बनेगा आपके पास कहाँ है? एंगल पी बी सी। और इधर हमारे पास क्या है? क्यू सी बी। ये एंगल, एंगल पी बी सी है वो लेस देन है किससे? एंगल क्या उसी बी से। अगर ये इससे लेस देन है, मीन्स ये एंगल हमारे पास स्मॉल है, और ये हमारे पास कैसा होगा? ग्रेटर होगा। तो हमें प्रूव करके दिखाना है, दे रखा है ना, शो दैट। हमें प्रूव करना है कि ए सी है वो हमारे पास ग्रेटर है किससे? ए बी से। अब ये हमारे पास स्मॉल एंगल है, तो इसके सामने की जो साइड है वो क्या होगी? स्मॉल होगी, और ग्रेटर के सामने की साइड ग्रेटर होती है। बट हम प्रूव के दिखाएंगे कि जो ए सी है वो हमारे पास ग्रेटर देन है किसके? ए बी की। देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास एंगल ए बी सी प्लस पी बी सी। ए बी सी यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, ये आपके पास जो एंगल बनेगा, यहाँ एंगल वन नाम दे देती हूँ मैं। और दूसरा हमारे पास क्या है? पी बी सी। ये हमारे पास यहाँ आया टू एंगल। एंगल वन प्लस एंगल टू लीनियर पेयर पे एंगल है, तो इसलिए इसका सम क्या आएगा? 180। तो इसको हमने क्या बोल दिया कि एंगल ए बी सी निकाल लेंगे। ए बी सी क्या आ जाएगा? 180 में से पी बी सी को माइनस कर देंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। इसी तरह इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड जब हमें निकालना है एंगल ए सी बी, ए सी बी निकालना है, ये निकालना है, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे। इसका नाम हमारे पास क्या है? क्या उसी बी। 180 माइनस क्या उसी बी, इसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 2।
टू, फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आ गई हमारे पास है। अब आगे कंडीशन क्या, इट इज़ गिवन दैट, हमारे पास गिवन क्या है कि एंगल PBC, हमारे पास गिवन है PBC आपके पास ये वाला एंगल है, ये हमारे पास छोटा है, स्मॉल है, किससे, QCB से, ये हमारे पास ग्रेटर है और ये स्मॉल है, दोनों को हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे। 180 में से माइनस करेंगे तो सिंपल चीज़ हमारे पास देखो क्या है, अगर ये हमारे पास दोनों का सम 180 है बट अगर ये स्मॉल है तो यहाँ पर क्या बचेगा, ग्रेटर एंगल बचेगा, और ये अगर ग्रेटर है तो यहाँ क्या एंगल बचेगा, स्मॉल एंगल बचेगा, तो इट मीन्स ये ग्रेटर है, इसके सामने की साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी, जी है, ये ग्रेटर है तो इसके सामने साइड कौन है, AC, वो बड़ी होगी, किससे, ये स्मॉल है, इसके सामने साइड कौन है, AB, ये हमारे पास छोटी साइड हो जाएगी। इसको हम कैसे करते हैं, 180 में से दोनों को हमने 180 में से माइनस कर दिया। अब देखो ये हमारे पास आपको ऐसे कुछ दे रखे हैं, ऐसा दे रखा है आपको, और ये एंगल ऐसे ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, यहाँ जो एंगल है ये आपके पास है B, और एक ये एंगल है, ऐसे एंगल दे रखे हैं, हमने बोल दिया PBC, ये आपके पास A है, यहाँ P है, PBC आपके पास C पॉइंट है, ये हमारे पास है जो PBC, ये क्या है हमारे पास स्मॉल है, मान लिए ये स्मॉल है, टोटल 180 है, मान लिए ये आपके पास से 30 मान लिया, और ये हमारे पास क्या है 40, क्योंकि ये हमारे पास बड़ा है। अब ये 30 है तो ये कितने का आ जाएगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि टोटल इनका सम क्या आएगा 180, और ये अगर 40 है तो ये कितने का बचेगा, 140 का, दोनों में एंगल कौन बड़ा है, 150 बड़ा है, 150 बड़ा है तो इसके सामने की साइड भी बड़ी आएगी, इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि एंगल ACB, अगर ये हमारे पास स्मॉल है तो इसके सामने जो है ये हमारे पास क्या होगा स्मॉल, इसके ये अगर आपके पास ग्रेटर है तो इसके सामने ग्रेटर एंगल बनेगा। एंगल ACB है वो लेस देन है किससे, ABC से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब AB है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा AC, और AC है वो ग्रेटर देन AB आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर एंगल B लेस देन एंगल A, अब एंगल B है वो लेस है किससे, एंगल A से, मींस एंगल B हमारे पास कैसा है, स्मॉल है एंगल A से, एंगल A हमारे पास क्या है ग्रेटर, एंड एंगल C है वो लेस देन एंगल D, एंगल C हमारे पास स्मॉल और एंगल D हमारे पास है ग्रेटर। शो दैट हमें प्रूव करना है AD, जो आपके पास AD है वो क्या है, लेस देन किससे, BC से, AD लेस, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो AD है वो हमारे पास क्या है स्मॉल है किससे, BC से, और BC क्या है ग्रेटर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। कैसे प्रूव करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एंगल B है वो स्मॉल है किससे, एंगल A से, तो एंगल B के सामने साइड कौन सी है, B के सामने क्या है AO, और एंगल A के सामने साइड क्या है BO। अब देखो अगर हम इस कंडीशन से लेके चलते हैं तो हमारे पास एंगल B है, एंगल B के सामने क्या लिखेंगे AO आ जाएगा, और एंगल A के सामने क्या है BO, अगर यहाँ पे साइन है तो अपोजिट साइन कर दिया हमने, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। इसी तरह हमारे पास क्या है एंगल सी है, एंगल सी स्मॉल एंगल डी के, एंगल सी के सामने कौन है ओडी, ओडी हमारे पास क्या होगा स्मॉल होगा, और किससे OC से, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे, AO प्लस OD और BO प्लस OC, अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा BO, दोनों के लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड कर देंगे BO प्लस CO, इधर क्या AO प्लस DO, इन दोनों को अगर BO प्लस CO दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा BC बनेगा, और इधर AO प्लस OD को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा AD बनेगा। अब हमारे पास सिंबल हमारे पास पहले से है कि जो BC है वो ग्रेटर है किससे AD से, तो हम क्या बोल देंगे कि AD है वो लेस है किससे BC से, कुछ भी बोल सकते हैं, या तो हम इसको ये बोल देंगे कि BC ग्रेटर है AD से, बट हमें क्या प्रूव करना है AD है वो लेस देन है किससे एंगल BC से, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, BAB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB एंड CD स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, AB हमारे पास कैसी है स्मॉलेस्ट है, और CD हमारे पास क्या है लॉन्गेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, शो दैट एंगल A
हमारे पास ग्रेटर देन है किससे, एंगल सी से। एंगल ए हमारे पास क्या है, ग्रेटर। ये हमारे पास ग्रेटर है किससे, इससे, ये हमारे पास स्मॉल है। दूसरा एंगल बी है वो ग्रेटर है किससे, एंगल डी से। एंगल बी को हमें क्या प्रूव करना है, ग्रेटर किससे, एंगल डी को स्मॉल। ये जिस दिखाना है हमें, देखो हमने ज्वाइन कर लिया ए सी को, ए से सी को ज्वाइन कर लिया एंगल, और इसको नाम दे दिया हमने 1 2 3 4। मेक द मार्क द एंगल, एंगल को मार्क कर लिया हमने इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है। ए बी सी ट्रायंगल में हमारे पास क्या है गिवन, कि जो बी सी है हमारे पास, बी सी और ए बी, इन दोनों से बड़ा कौन होगा, ए सी होगा। क्यों, क्योंकि ए सी हमारे पास क्या, हाइपरटेन्यूज है, और हाइपरटेन्यूज है तो ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। क्वेश्चन फर्स्ट में प्रूव किया था, तो हम क्या बोल देंगे कि बी सी है वो हमारे पास बड़ा आएगा किससे, ए बी से। कैसे, ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड है, तो इसके सामने एंगल कैसा बनता है, शॉर्ट एंगल बनता है। इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि जो ए बी और दूसरा क्या है बी सी, बी सी के सामने एंगल कहाँ बनेगा, इसके सामने यहाँ एंगल बनेगा। बी सी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा, सॉरी बी सी है वो ग्रेटर है किससे, ए बी से। तो ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड, ए बी हमारे पास क्या बन गई, शॉर्टेस्ट साइड बन गई। अगर शॉर्टेस्ट साइड है तो ए बी पे हमारा एंगल क्या है, एंगल टू, और इधर क्या है, एंगल फोर। एंगल टू है वो हमारे पास ग्रेटर है किससे, एंगल फोर से। एंगल टू बड़ा है किससे, एंगल फोर से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर इन ट्रायंगल ए डी सी। दूसरी क्या बन गई, ए डी सी बन गई। ए डी सी में हमारे पास क्या है, सी डी आपके पास है, सी डी, सी डी हमारे पास बड़ा है किससे, सी डी आपके पास गिवन था, सी डी बड़ा है किससे, ए डी से, क्योंकि इन दोनों में ये साइड हमारे पास बड़ी थी। तो इसी तरह इसको भी लेके चलेंगे, ए डी है, सी डी है वो बड़ा है किससे, ए डी से। सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, सी डी हमारी कैसी है, लॉन्गेस्ट साइड है। अब सी डी है हमारे पास, इसके सामने एंगल कौन है, एंगल वन है, और ए डी है, सॉरी ए सी है, ए सी के सामने एंगल कौन है, इसके ए डी के सामने एंगल कौन है, थ्री है। तो हम क्या बोल देंगे, एंगल वन है वो ग्रेटर है किससे, एंगल थ्री से। इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल वन प्लस एंगल टू। एंगल वन प्लस टू को करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, थ्री और फोर को प्लस करेंगे तो हमारे पास एंगल सी बनेगा। यही हमें करना था, एडिंग फर्स्ट एंड फॉर सेकेंड एंगल टू प्लस वन। अब हमारे पास सिंबल सेम रहेगा कि एंगल वन प्लस एंगल टू ग्रेटर है किससे, एंगल फोर प्लस एंगल थ्री से। एंगल वन और टू को ऐड करेंगे कौन बनेगा, एंगल ए, और इनको ऐड करेंगे एंगल सी बनेगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एंगल ए है वो ग्रेटर देन एंगल सी। इसी तरह से हम दूसरी को बी डी को ज्वाइन कर लेंगे और उसको भी प्रूव कर देंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, इन द फिगर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर आपके पास एक फिगर दी हुई है, मैं आपको फिगर बना के बता देती हूँ क्या है फिगर। ये आपको एक फिगर दी हुई है, ऐसी हमारे पास फिगर है पी क्यू आर और एस। ये हमारे पास एक फिगर है, इन फिगर पी आर आपके पास क्या गिवन है, पी आर ग्रेटर है किससे, पी क्यू से। मीन्स ये आपके पास ग्रेटर है और ये क्या है, स्मॉल। एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, और जो पी एस है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, क्यू पी आर बाइसेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। प्रूव दैट एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर आपके पास यहाँ जो एंगल बनेगा ग्रेटर होगा किससे, पी एस से क्यू से। ये हमारे पास इससे ग्रेटर होगा, कौन बड़ा होगा, पी एस से आर। पी एस आर आपके पास क्या होगा, ग्रेटर होगा, और ये क्या होगा, स्मॉल। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, देखते हैं कैसे। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है कि पी आर है वो ग्रेटर दे रखा है किससे, पी क्यू से। गिवन है आपके पास पी आर ग्रेटर पी क्यू। अब देखो पी आर अगर आपके पास ग्रेटर है तो इसके सामने एंगल कौन बनता है, क्यू, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पी क्यू आर, और इधर क्या है, पी
क्यों? और इसके सामने एंगल कौन बनेगा? आर पे बनेगा एंगल, तो इसको हमने क्या लिख दिया, एंगल पी क्यू आर ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ये हमारे पास प्रूव किया था। दूसरा, इसी तरह से हमने क्या दिखा दिया कि पी एस वो बाइसेक्ट करता है क्यू पी आर को, पी एस हमारे पास ये बाइसेक्ट करता है। अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है तो हम क्या बोल देंगे कि एंगल क्यू पी एस और आर पी एस, इन दोनों में अगर हम इसको लेके चलते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन सेकंड से बोल रहे हैं हम कि पी एस है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, क्यू पी आर को। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल क्यू पी एस ये आपके पास ग्रेटर होगा किससे, इससे, मीन्स ये आपके पास बड़ा आएगा और ये स्मॉल आएगा। इक्वेशन टू नाम दे दिया। अब ट्रायंगल क्या है, पी क्यू एस, इधर ट्रायंगल क्या है, पी एस आर। पहले हम ये लेके चलते हैं पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस में क्या है, तीनों एंगल्स का सम क्या आता है, 180 आता है। तो तीनों एंगल्स लिखेंगे हम पी क्यू एस प्लस क्यू पी एस प्लस पी एस क्यू इज इक्वल टू 180। पी एस क्यू निकाल लेंगे, 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरह दूसरी हमारे पास क्या है, पी आर एस, पी आर एस में तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। पी एस आर निकाल लेंगे क्योंकि ये दो एंगल तो हमने प्रूव कर, ये तो हमने दो तो दिखा दिए एंगल, हमें क्या बताना है, सिर्फ ये वाला एंगल बताना है। तो इसलिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि पी एस आर कैसे आ जाएगा, 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, पी आर एस और आर एस से पी, इन दोनों को माइनस कर दिया, इसमें से माइनस करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फोर नाम दे दिया। एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर एस। अब देखो इक्वेशन सेकंड में हमारे पास क्या था कि इससे बड़ा है, सॉरी ये बड़ा नहीं आएगा बच्चे, ये इक्वल आएगा इससे, ये हमारे पास क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल है तो इसकी जगह पे हमने क्यू पी एस यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास आर पी एस दे रखा था उसकी जगह हमने क्या नोट कर लिया, क्यू पी एस, 180 में से माइनस कर दिया, इक्वेशन फोर। फ्रॉम फर्स्ट वी नो, अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से क्या गिवन है कि एंगल पी क्यू एस ग्रेटर है किससे, पी आर एस से। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, जो हमने अप्लाई कर दिया थर्ड और फोर्थ के लिए, थर्ड और फोर्थ में अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, एंगल पी एस क्यू ग्रेटर है एंगल पी आर एस से। पी एस क्यू एंगल कहाँ बनेगा, पी एस क्यू यहाँ जो एंगल बनेगा वो हमारे पास स्मॉल है किससे, पी आर एस से, ये हमें स्मॉल प्रूव करना था, ये स्मॉल है। तो अगर हम इसको अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल पी एस आर हमारे पास ग्रेटर है पी एस से क्यू से, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट ऑफ ऑल द सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन इट, आपको क्या बोल रखा है, शो दैट ऑफ ऑल द सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से सेगमेंट ड्रॉ कर रखे, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द लॉन्गेस्ट इज द शॉर्टेस्ट, जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास कैसी साइड है, शॉर्टेस्ट साइड, ये हमें प्रूव करना है। वी हैव ए लाइन एल, हमने क्या लिया, एक लाइन एल ड्रॉ कर ली, एंड ओ इज ए पॉइंट, ओ हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया नोट ऑन एल, जो एल लाइन के ऊपर नहीं है। अब ओ पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किससे, लाइन ए एल के ऊपर। वी हैव टू प्रूव दैट, अब हम प्रूव करेंगे कि जो ओ पी है वो हमारे पास स्मॉलर है, ओ पी लेस देन ओ क्यू, ओ पी लेस देन क्यू, सॉरी ओ आर, ओ पी लेस देन ओ एस, इन तीनों से लेस करके दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, अगर हम ओ पी क्यू लेके चल रहे हैं, या 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है पी के ऊपर, 90 डिग्री, तो इट मीन्स ये 90 है, तो ये दोनों हमारे पास 90 से कम होंगे, तो एंगल क्यू क्या आएगा, एक एक्यूट एंगल आएगा, 90 से कम का आएगा, 90 से कम आया तो हम क्या बोल देंगे, एंगल क्यू है वो हमारे पास है, एंगल क्यू लेस देन है किससे, एंगल पी से, ये हमारे पास लेस आ गया। अगर ये लेस है तो इसके सामने साइड कौन है, ओ पी, इसीलिए ओ पी हमारे पास लेस देन है किससे, ओ क्या उसे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। इसी तरह फिर हम दूसरे ट्रायंगल ले लेंगे ओ पी आर से, और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, ओ पी एस, तीनों से हम प्रूव करके दिखा देंगे कि ओ पी हमारे पास क्या आ जाएगी, शॉर्टेस्ट साइड। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ओ पी इज द शॉर्टेस्ट देन ओ आर, हमारे पास क्या प्रूव कर देंगे, ओ आर एंड ओ एस, जो ओ पी है हमारे पास ओ आर और ओ एस से भी शॉर्टेस्ट आ जाए, ये हमें प्रूव करना है कि हमारे पास परपेंडिकुलर है वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.4। ओके, थैंक यू।